जनता वाइट बाकी है, आ जाइए सबसे पहले। ये जो सफर है आपके फैंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, किस तरह से देख रहे हो आज के दिन को? बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि वापस से इतना बेहतरीन शो करने को मिला। और ये इंडिया का नंबर वन शो सिर्फ कहने के लिए नहीं, एक्चुअली है, क्योंकि जब ही हमने किया तब हमें पता चला और कितने स्टंट तो मैंने अर्चना ने साथ में किए। और ओ माय गॉड, अरे भैया नौ चंदी का मेला और हलवा पराठा जो याद आया है। हम लोगों ने ना एक स्टंट किया था और मुझे ये बात पता नहीं थी और इसे भी नहीं पता था कि मुझे हाइट से डर लगता है। तो वहाँ जाके उन्होंने बोला हाइट कैसी है तुम्हारी, मुझे डर, मैं देखो मुझे भी डर लगता है, हाथ मिला लो पहले तो। तो हम लोगों ने नौचंदी का मेला, क्योंकि हम मेरठ से ही हैं तो वहाँ पे नौचंदी का मेले और हलवा पराठा और दही बल्ले सब हमने सब याद किया हमने उस एक स्टंट के अंदर। वो स्टंट फिर हम लोगों ने बताएंगे बाद देख लो। और अर्चना का जो फाइनल की जो दौड़ रहती है सबसे ऊपर आप दोनों का नाम है, इस पे क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो मेरठ वाले हैं, तगड़े तो हैं। बाकी हम ये स्पॉइल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जो हमने किया है ना, हम चाहते हैं कि वो हमारे फैंस ऑडियंस बहुत इंजॉय करें, क्योंकि सच में एंजॉय करने वाली चीज़ है। राइट। और अर्चना ने जितना एंजॉय दिया है ऑडियंस को, ये हैट्स ऑफ टू अर्चना। तीनों के साथ किस तरह सबसे स्ट्रॉन्ग, वही आप लोग सबने कहा कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग थे, जी उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे किस तरह मेंटली और कितने स्ट्रॉन्ग थे? डीनो, हम एक ही बात बोलते थे, मैन वर्सेस वाइल्ड है डीनो, या मतलब इंसान और पूरी पूरी ताकत से लड़ा दो उसको, ताकत जानवर से लड़ा दो उसको, उसको शेर के सामने ऐसी खड़ा कर दो। एक्चुअली वो ना, पहली बात तो उसको ना टेंशन नहीं है, उसने जो भी स्टंट किए है ना एंजॉय किया। खासियत डीनो, भाई की ये थी कि उनके दिमाग में ना एक बड़ी शांति वाला फीचर था, हमें अपने आप को काम करना पड़ता था, उनमें ऑलरेडी था इनबिल्ट कि वो शांत ही थे नेचर में, मतलब उसको टेंशन नहीं होती थी होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, जिसमें सबकी हालत खराब होती थी उनको मजा आता था, मजा आ गया क्या, अरे हालत खराब हो गई मेरी, ऐसा था वो, इतना स्ट्रांग था। शिव के बारे में क्या कुछ कहना था? अर्चना ने बोला उनका फोबिया लिजर्ड के साथ था, आपका किससे फोबिया था? और अरे वो पहला वाला स्टंट हमारा जो आपकी आई थी हमारे ऊपर, तो मेरा एक ये था कि सांप से मुझे थोड़ा डर लगता था, फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारा दोनों का स्टंट चल रहा था। एक्चुअली अभी आप लोगों को ना एक सीन दिखेगा आज ही एपिसोड में दिखा शायद, हाँ आज की एपिसोड में शायद नहीं कल के एपिसोड में, तो क्या था, एक सांपन थी, सांपन मतलब सांप, फीमेल सांप, नागिन इनके नाम से सांपन, सापन थी, तो वो सापन मेरे गले में पड़ी हुई थी, हम सबके गले में, बाजू में ये था, तो वो सापन उसके पास जा रही थी ऐसे लपेट के और उस सापन ने इसको लपेट लिया और मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, क्योंकि मेरे कंधे पे ऑलरेडी एक सांप था और चुना का सांपन भी मेरे ऊपर आ रहा था, मेरी हालत खराब, मैं कह ये क्या हो गया यार। तो वो सच में वो बहुत, मतलब जब भी हम दोनों साथ में रहे ना उस बात को जरूर याद किया हमने, बहुत मजा आएगा, मतलब अब देखना क्या हुआ फिर बाद में। है ट्रिम करा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? कहाँ ट्रिम करा है, पूरी की पूरी चोटी नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल ट्रिम नहीं कराया, मोड़ लिया क्योंकि वहाँ पे इन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया, कभी कभी बाल अच्छे नहीं दिखते थे, शीतान बाल नहीं अच्छे दिख रहे तुम्हारे, इनको ना चोटी को थोड़ी ऐसे को कर लो, तो मैं उसके लिए भी थैंक यू। और एक इसने पनौती चोटी भी बनाई, अरे यार उसके बारे में इनको देख नहीं दो, पनौती चोटी बनाई थी भाई साहब मैंने, तो अब उसके साथ क्या हुआ ऑडियंस को एंजॉय करने दो, चलेगा आपको जी, आप लोग देखना, बस आप लोग देखना, हो चुका है खतरों के खिलाड़ी, आज भी आएगा कल भी आएगा सैटरडे संडे आएगा, आप लोग बहुत मजा आएगा, इस बार जितने स्टंट हुए कितने सारे नए स्टंट हुए तो आप सबको बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू। एक चैनल आईडी, जनता में चैनल आईडी, इसके बारे में बहुत कम बातचीत थी, क्योंकि वो सभी के साथ आप नए नए मिले हो, अलग अलग लोग आए हैं, तो थोड़ा वक्त लगता है घुलने मिलने में, बट अच्छी बातचीत तो थी, बट जब पता चला कि हमारा डर भी सेम है, घर में देखेंगे वो एक नॉर्मल चीज़ हो जाएंगी, क्यों ना हम कुछ डिफरेंट करें, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना स्क्रीनिंग पे जाके देखें, बड़ी स्क्रीन पे देखें, तो फिर हम लोगों ने तुरंत कल ही प्लान किया ना, कल ही शाम को हम लोगों ने प्लान किया और फिर इधर उधर होके सब लोगों का टाई अप हो गया और सब लोगों ने आज पूरा शो साथ में, ये मेरी वापसी है, यस, और ये क्लब है एमिथिस्ट क्लब है और यहाँ पे हम लोगों का स्क्रीनिंग
स्क्रीनिंग हो चुका है और हम लोग देख रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। अभी हम लोग इस क्लब में यानी एमेथिस्ट क्लब में पार्टी करने वाले हैं। अच्छा ग्लैमर। और हाँ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मतलब इनका एक ब्रांड है जो कि बहुत पहले से ही है, मतलब मैं इनसे बहुत पहले से दोस्ती हूँ। तो ग्लैम फिट इनका है, मैंने पूरा खतरों के खिलाड़ी पूरा बिग बॉस में इन्हीं के चिमवेयर मैंने पहने हैं। सारे लोगों ने खतरों के खिलाड़ी में पहने हैं। आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू खतरों का खिलाड़ी बिग बॉस सच में फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू अर्चना, अर्चना इज बीइंग वेरी स्वीट आर्ट। आप लोग सब खतरों का खिलाड़ी देखिए, इनके इनको देखने में जो मजा आएगा ना वो और किसी को देखने में मजा नहीं आएगा। सीरियसली वेरी फनी। थैंक यू सो मच।